सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे होंगे HBTU कानपुर, हारकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर की। तो HBTU कानपुर हमारे नवाबगंज कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी। शुरुआत तो इसकी HBTI कानपुर के साथ हुई थी जिसका मतलब है हारकोट बटलर टेक्निकल इंस्टीट्यूट, लेकिन आज के डेट में इसे बदलकर इंस्टीट्यूट से यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। बात कर ले इसके NIRF रैंकिंग की तो लेटेस्ट डेटा हमारे पास 2021 का है जिसमें इसका NIRF रैंकिंग 251 से 300 के बीच है। अब इसकी NIRF रैंकिंग कहीं भी इसके रेपुटेशन को नहीं दर्शा पाती है, क्योंकि इसी बात को जस्टिफाई करते हुए आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम प्लेसमेंट डेटा बात कर रहे होंगे, उसके बाद एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, हॉस्टल एंड कॉलेज लाइफ और बहुत सारी चीज़ें। तो प्लेसमेंट डेटा के ऊपर बढ़ने से पहले एक छोटा सा फैक्ट आपको बता दूं कि HBTU कानपुर हमारा IIT कानपुर का मदर इंस्टीट्यूट रह चुका है, यानी कि जब IIT कानपुर की स्थापना हुई थी उस समय इसकी गाइडेंस हमारा HBTU कानपुर करता था। तो समझ लीजिए IIT कानपुर के साथ HBTU कानपुर की बॉन्डिंग कितनी तगड़ी होगी, जिसका बेनिफिट हमें समय टाइम टू टाइम देखने को मिलता ही रहता है। तो चलिए बहुत क्विकली मूव करते हैं प्लेसमेंट की तरफ। तो लेटेस्ट डेटा हमारे पास 2023 का है, लेकिन 2023 का भी ऑन गोइंग प्लेसमेंट है, यानी कि अभी भी इसमें और इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो बात कर लेते हैं 2022 के प्लेसमेंट की। तो 2022 के अगर हम मीडियन पैकेज की बात कर लें तो स्क्रीनशॉट आपके सामने लगा हुआ है। कंप्यूटर साइंस की बात कर ले तो 14.64 LPA, IT की बात कर ले तो 14.5 LPA, मैकेनिकल के लिए काफ़ी बढ़िया कॉलेज है हमारा 6 LPA, केमिकल के लिए भी बढ़िया कॉलेज जाना जाता है 5.64 LPA। ऐसे ही आप बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख सकते हो, 13 ब्रांचेस हैं इन टोटल इस कॉलेज में। पेंट, प्लास्टिक, ऑयल टेक्नोलॉजी जैसे भी ब्रांचेस इस कॉलेज में हमें देखने को मिल जाते हैं। पेंट की ही अगर बात कर ले तो 6.75 LPA, कोर सेक्टर में बहुत तगड़ा प्लेसमेंट्स माना जाता है इसे। अगर इसी के साथ हम एवरेज पैकेज की बात कर लें तो कंप्यूटर साइंस में 15.22 LPA, इसी के साथ IT में 13.76, मैकेनिकल में 7.05, केमिकल में 7 LPA, बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। हाईएस्ट पैकेज की अगर बात कर ले तो कंप्यूटर साइंस में 44.5 LPA। अब मैं 2023 का डेटा अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हाईएस्ट पैकेज की बात कर ले 2023 में ही तो कंप्यूटर साइंस में अभी सिर्फ 17.4 LPA कहीं गया है। अभी और प्लेसमेंट्स होने बाकी हैं, इसलिए एक बार 2023 कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद इन डिटेल 2023 के भी प्लेसमेंट की बात कर लेंगे। फिलहाल अगर अभी हम बात कर लेते हैं 2022 के ही हाईएस्ट पैकेज और इससे थोड़ा इन डिटेल देख लें तो IT में 26.57 LPA, मैकेनिकल में आपका 17.5 LPA, मतलब कि एक टीयर 2 से 3 के बीच में आने वाला कॉलेज इसे हम कंसिडर कर सकते हैं और उसके हिसाब से प्लेसमेंट्स अच्छा खासा हमें देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा हाई फाई प्लेसमेंट्स तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिस फी स्ट्रक्चर में हमारा ये कॉलेज करवा पा रहा है उस हिसाब से बहुत बढ़िया प्लेसमेंट्स इसे हम कह सकते हैं, डिसेंट प्लेसमेंट कह सकते हैं। बहुत ख़राब भी नहीं और बहुत अच्छा भी नहीं, ठीक ठाक अच्छा प्लेसमेंट है हमारा। बट सिर्फ प्लेसमेंट से हम नहीं देख सकते इस कॉलेज में, और बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक इसका रेपुटेशन, क्योंकि IIT कानपुर का मदर इंस्टीट्यूट रह चुका है और 1921 का कॉलेज है। तो एल्यूमिनाई नेटवर्क, अगर एल्यूमिनाई की बात कर ले तो सबसे पहले आज के डेट में जो सबसे फेमस है आपके अलख पांडे सर, यहीं के पास आउट हैं। एक्चुअली उन्होंने अपना पूरा इंजीनियरिंग तो नहीं किया, बट उन्होंने BTech में एडमिशन HBTU कानपुर में ही लिया था। इसके बाद अगर हम बात कर लें अनिल खंडलवाल, एक्स चेयरमैन एंड MD ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, दिनेश अग्रवाल, फाउंडर एंड CEO ऑफ इंडिया मार्ट, सभी ने नाम सुन रखा है, यशवीर सिंह, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम नगीना लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो आपका स्टार्टअप बिजनेस या किसी भी बड़े पोस्ट में बैंक या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में हो, हर जगह आपको इनके एल्यूमिनाई देखने को मिल जाएंगे। अगर थोड़े से और डिटेल में बात कर लें इनके प्लेसमेंट्स को लेकर, तो इन्होंने अपने कुछ पास्ट रिक्रूटर्स के नाम लिख रखे हैं, जैसे अडोबी, पेप्सिको, DLF, कोका कोला, पेटीएम, BSNL, IBM, ITC, आइडिया, एशियन पेंट्स, इंडियन ऑयल, जैसे भारत पेट्रोलियम, जैसे आपके PSU भी विजिट करते हैं इस कॉलेज में, गूगल, टाटा मोटर्स, एग्जॉन मोबाइल, माइक्रोसॉफ्ट, NVIDIA, डेलॉइट, TVS, Uber, Amazon, रिलायंस, Jio, जितने आप बड़े कंपनी सोच सकते हो सभी तरीके की कंपनीज हमारे इस कॉलेज में विजिट करते हैं। अब इन्होंने एक छोटा सा डेटा और मेंशन कर रखा है कि डेमोग्राफिक्स हैं कुछ, कि कितने स्टूडेंट्स एलिजिबल थे प्लेसमेंट के लिए और कितने स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट, कितने प्लेसमेंट ऑफर आए कॉलेज में।
तो स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है। वैसे अगर बात कर लें कंप्यूटर साइंस की तो टोटल एलिजिबल स्टूडेंट्स 62, जिसमें से प्लेसमेंट्स लगी थी 93 की। हम 2021-22 बैच की बात कर रहे हैं, यानी कि अप्रॉक्स हम सीएस में बात कर ले तो लगभग सभी का प्लेसमेंट लग गया था, इतना अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एग्जैक्ट प्लेसमेंट परसेंटेज नहीं बताया है। बट स्टूडेंट से हमें बात करके पता चला है, कुछ इधर उधर के रिव्यूज देखकर हमें पता चला है कि लगभग पहले के डेट में 80% तक प्लेसमेंट जाता था और आज के डेट में थोड़ा बढ़ते बढ़ते 90% प्लेसमेंट हो जाता है कॉलेज में। थोड़ा सा अगर बात कर ले केमिकल की तो 47 स्टूडेंट्स एलिजिबल थे, 47 ऑफर्स आए हैं। जहां थोड़ी स्थिति खराब देखने को मिलती है हर कॉलेज की तरह केमिकल में, बट इस कॉलेज में थोड़ी ज्यादा खराब देखने को मिल रही है, 25 स्टूडेंट्स एलिजिबल थे और ऑफर सिर्फ 10 ही आए हैं। खैर अगर हम ओवरऑल बात कर ले, आप फाइट मारते हो प्लेसमेंट के लिए, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एक अच्छा खासा एक टीयर 2 से 3 के बीच का जो आप कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो उससे जितना प्लेसमेंट उतना आपको आराम से लग जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट एक एटीट्यूड रखकर चलना कि IIT कानपुर का मदर इंस्टीट्यूट था तो HBTU कानपुर में तो बहुत बढ़िया प्लेसमेंट लग ही जाता होगा, रेपुटेशन भी इसकी बहुत ज़्यादा थी, तो थोड़ा लीनियंट भी लेकर चलेंगे तो हो जाएगा काम। बट ऐसा नहीं है, IIT कानपुर का मदर इंस्टीट्यूट रह चुका है लेकिन IIT कानपुर खुद नहीं है ना। IIT कानपुर का मदर इंस्टीट्यूट पहले था, रेपुटेशन इसकी पहले थी, आज के डेट में धीरे धीरे गिरी है, बट फिर भी अपने साथ एक ब्रांड वैल्यू तो कैरी करता ही है। तो ओवरऑल मैं फिर से कहना चाहूंगा टीयर 2 से 3 के बीच का जो एक कॉलेज से हम एक्सपेक्ट कर सकते हो उस सबसे बढ़िया कॉलेज है, आप आराम से जा सकते हो इस कॉलेज में अगर आपको किसी IIT NIT टाइप के कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल रहा है। इसी के साथ अगर हम बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की तो आपको JEE मेंस का एग्जाम देना होगा और उसके बाद JEE मेंस में जो रैंक बन रहा है उसके बेसिस पर आपका इनका खुद का HBTU कानपुर का काउंसलिंग होता है, उसके लिए अप्लाई करना होगा। अगर बात कर ले कट ऑफ की तो हमारे सामने यहाँ 2023 के जनरल स्टूडेंट के लिए राउंड 3 का कट ऑफ लगा हुआ है। ये सारे कट ऑफ आपके JEE मेंस रैंक के बेसिस पर है। अगर कंप्यूटर साइंस की बात कर ले तो राउंड 3 में जनरल स्टूडेंट के लिए 2023 में 22,693 रैंक पे बंद हुआ था। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 33,664, मैकेनिकल 52,510, केमिकल की बात कर ले तो आपका बंद हुआ था लगभग 60,640, सिविल बंद हुआ था 66,909 रैंक पे। बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। बात कर लेते हैं अदर स्टेट कोटा की। अगर अदर स्टेट कोटा में बात कर ले कंप्यूटर साइंस बंद हुआ था 22,059 रैंक पे, IT बंद हुआ था 26,882, मैकेनिकल था 37,486, यानी कि आपके UP डोमिसाइल से थोड़ा सा आपको ज़्यादा कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा अदर स्टेट कोटा के लिए। अगर बात कर ले कुछ ब्रांचेस जैसे सिविल और इलेक्ट्रिकल का राउंड 3 का कट ऑफ नहीं लिखा हुआ है क्योंकि तब तक बंद हो चुका था, किसी को नहीं मिला था, तो उसके लिए राउंड 1 का कट ऑफ चेक कर लेते हैं। सिविल का आपका अदर स्टेट 2023 जनरल कैंडिडेट के लिए राउंड 1 में बंद हुआ था 37,787। बहुत सारे NITs में भी इतना तगड़ा कट ऑफ नहीं जाता है सिविल के लिए, तो अगर इस रैंक पर क्लोज हो रही है कुछ तो बात है। इलेक्ट्रिकल के वहीं बात कर ले तो 28,190 पे ही क्लोज हो गया था हमारा एक कॉलेज इलेक्ट्रिकल के लिए राउंड 3 अदर स्टेट के लिए। खैर ठीक है, तो अब बात कर लेते फी स्ट्रक्चर के बारे में। तो आपके सामने फी स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। अगर इन टोटल हम बात कर लें इंस्टीट्यूट फी, हॉस्टल एंड मेस फी आप देख पा रहे हो, इन टोटल अगर बात कर ले तो 4 साल का आपका BTEC लगभग 7.5 लाख के अंदर हो जाएगा। कॉलेज की तरफ से कोई स्कॉलरशिप देखने को नहीं मिलती है लेकिन आप अपने स्टेट गवर्नमेंट, UP गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और बहुत सारे कॉर्पोरेट से स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो। अब अगर बात कर ले इनके कैंपस के बारे में तो 2 कैंपस है इनका, एक ईस्ट कैंपस और एक वेस्ट कैंपस। ईस्ट कैंपस 77 एकर्स का है जिसमें 6 हॉस्टल्स है, 4 गर्ल्स हॉस्टल और 2 बॉयज हॉस्टल। इसी के साथ वेस्ट कैंपस में 271 एकर्स का कैंपस है जिसमें 4 बॉयज हॉस्टल्स है एंड 0 गर्ल्स हॉस्टल। ठीक है, अब अगर हम बात कर लें कि आपका जो कैंपस है वो कानपुर जू से करीब है तो घूमने फिरने के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ सोर्सेज हो गए। गंगा बैरेज से थोड़ा सा 5 किलोमीटर दूर है तो घूमने फिरने लायक इलाका है, कानपुर है, उत्तर प्रदेश है, तो घूमने फिरने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। कैंपस एक अच्छे लोकेशन पर सिचुएटेड है, कानपुर में है, IIT कानपुर में कंपनीज विजिट करती है तो काफ़ी कुछ कंपनीज HBTU कानपुर में भी आ जाती है। इसलिए आप जो कंपनीज के नाम देख पा रहे थे Google, Microsoft, Amazon, Deloitte, IBM, तो बहुत सारे रीजन ये भी हो सकती है कि IIT कानपुर हमारे पास में सिचुएटेड है। बात कर ले अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की तो काफ़ी पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है 1921 का, तो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को लग सकता है लेकिन अब हाल फिलहाल में धीरे धीरे चीज़ें रेनोवेट होनी चालू हुई हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ें अब नई नई देखने को मिलेंगी।
पहले जो आज से 3-4 साल पहले जो कंप्लेन आया करता था इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, वो अब धीरे धीरे शिकायतें बंद हो रही है। लेकिन लाइब्रेरी को लेकर अभी भी लोगों को इश्यू है कि लाइब्रेरी उतना बढ़िया नहीं है, वेल मेंटेन नहीं है, बट फिर भी चीज़ें धीरे धीरे सुधर रही है, क्योंकि ऑनलाइन रिव्यूज से भी हमें यही देखने को मिला है कि बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बढ़िया नहीं है, कुछ दिक्कतें हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि फैसिलिटीज अब धीरे धीरे काफ़ी हद तक प्रोवाइड हो रही है, हर बेसिक फैसिलिटीज मिल जाएंगी आपको, हॉस्टल में जिम तक देखने को मिल जाएगा आपको, बेसिक बेसिक हर स्पोर्ट्स एंड कॉलेज एमिनिटीज फैसिलिटीज देखने को मिल जाएंगी। इसी के साथ अगर हम बात कर ले इनके फेस्ट की, तो एनुअल फेस्ट के नाम पर इनका अध्याय नाम का 3 दिन का 3 रात का कल्चरल फेस्ट होता है, जिसमें अगर अभी रिसेंट की बात कर ले तो डीजे रिया, दर्शन रावल जैसे गेस्ट आए थे 2022 में। 2023 के लिए देखते हैं क्या कुछ गेस्ट रहने वाले हैं। बात कर ले अगर इनके टेक्निकल फेस्ट की, जिसका नाम है टेक्निका, तो जो भी लोग टेक्निकली थोड़ा सा ओरिएंटेड है, टेक्निकल फेस्ट में थोड़ा पार्टिसिपेशन दिखाना चाहते हैं, उनके लिए भी चीज़ें हैं। अगर स्टूडेंट एक्टिविटीज़ की बात कर ले टीम्स एंड क्लब्स की, तो 9 टीम्स क्लब्स के इन्होंने नाम लिख रखे हैं, NSS, फोटोग्राफी, लिटररी, हॉबी, स्पोर्ट, योगा, कल्चरल, प्रिंट एंड सोशल मीडिया, टेक्निकल। तो फेस्ट हो गया, टेक्निकल एंड कल्चरल क्लब्स हो गए, स्टूडेंट एक्टिविटीज हो गई, कॉलेज लाइफ हो गया, प्लेसमेंट, रिसर्च, हर जगह हमारा कॉलेज Tier 2 से 3 के बीच में आने वाले में बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रहा है। जैसा कि आप खुद जानते हो, HBTU कानपुर हमारा एक काफी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, जिसका एल्यूमिनाई नेटवर्क की गिनती हमने अभी कर ही ली। खैर, वो एल्यूमिनाई नेटवर्क तो मैंने नाम सिर्फ गिनती के लिए है, वरना बहुत लंबा चौड़ा एल्यूमिनाई नेटवर्क है इनका। अब आज के इस वीडियो में इतना ही, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और किन कॉलेजेस का रिव्यू वीडियो चाहिए, और किन कॉलेजेस में आप एडमिशन लेने की सोच रहे हो, ताकि उनके ऊपर भी वीडियो आ जाए और आप जज कर पाओ कि उन पर्टिकुलर कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल के बाद कुछ मनी बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नेक्स्ट डे विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।